बुढ़ापा पेंशन पिछले दिनी खासा मुद्दा पकड़िया कि पंजाब च बुढ़ापे पेंशन के नाँ के उत्ते कई कपड़े हुए ने। वो कपड़े पिंड लैवल पर होए, बजुर्ग लैवल पर होए, अफसर लैवल पर होए, कहिंदे जी किसी की उम्र बढ़ा के है ना उसनू बजुर्ग दिखा के उहदे नाते पेंशन ली जा रही है, हैं किसी को जमीन जायदाद हैगी है उहदे बावजूद उसनू मतलब के पेंशन वाले कोटे च मंजूर कर लिया गया, इहदे पिछे खेड चली है। सो इसलिए कहिंदे उहनां तों वसूली करनी है। जदों अकालियां दी सरकार सी तद कहिंदे अकालियां ने अपने चहेतियां नूं दब के पेंशन लाई, जिन्हें सही मायने च हकदार सी उह तां वी विचारे मिन्नतां करदे रहे होणे, जुत्तियां घसाउंदे रहे होणे, पर जिहड़े पहुँच रखते सी जां अकालियां नाल साझ सी उहनां नूं कहिंदे पेंशन लग गई। फिर बारी कांग्रसियां दी, कांग्रसियां कहिंदे जी अकालियां ने गलत बंदियां लाती असीं कटती, फिर कहिंदे कांग्रसियां ने अपणियां नूं वी लवाती होणी, लोड़वंद फिर धक्के खांदे होणे, पर जिहड़े अप्रोच वाले ने, पहुँच वाले ने, समर्थ ने, वह भी पेंशन लै गए होणे। ते हुण आप वाले आए, आप वाले कहिंदे जी अकाली कांग्रेस दे समय बड़ा कपड़ा होया, असी सारे पैसे वसूल करांगे, ते हुण कहिंदे जी आप दे चेहतियां नूं वी लग रही होणी। हुण आप दे चेहते कहड़ा घरों आए ने भाई, वह भी अकाली कांग्रेस नूं निकल के आए ने, सो इधर भी दा चल रहा होना। पर इस सब दे दरम्यान गल आई कि वसूली होएगी, पर वसूली करन जांदे कहिंदे अफसरां दे पल्ले कुछ नहीं पैंदा, कईआं ने अपनियां जमीनां न्याणे दे नां करातीयां, कईआं साडे पल्ले ही नहीं कुछ, असीं कित्थों मोड़ीए, असीं नहीं मोड़ सकदे। सो इह सारा वरतारा चल रहा, पर इह सब दे दरम्यान तुहाडे लई अहम खबर इह आ कि हुण जिन्हां नूं बुढ़ापा पेंशन मिल रही आ उह भी, ते जिन्हां ने नवीं लैणी आ जिहड़े हुणे सीनियर सिटीजन पंजाब च होण वाले ने, जिहड़े 58 प्लस होण वाले ने, 60 दे गेट च जाण वाले ने, उहनां ने जिन्हां ने बुढ़ापा पेंशन लैणी आ भाई, उह ध्यान कर लिओ। हुण कल्ले आधार कार्ड दे सहारे तां नहीं मिलणी बुढ़ापा पेंशन। आधार कार्ड पंजाब दा समाज कल्याण विभाग कहिंदे जी इक फार्म भरो, आधार कार्ड की कापी नाल लाओ, तो जाके अपने सरपंच तो टैसट कराओ, तो जमा कराओ, तो उस तों बाद जी कहिंदे पेंशन लग जाती है, क्योंकि आधार कार्ड तुहाडा नाँ, पता, उमर, तरीक सारा कुछ लिखा हुआ। उस वाले नाल मान लिया जाता कि ठीक है जी तुसीं बजुर्ग हो गए, बुढ़ापा पेंशन दे हकदार। पर हुण कल्ला फार्म भर के ते नाल खाली आधार कार्ड ला के बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलनी। जिन्होंने पहला ली आ उन्होंने भी नवे दस्तावेज जमा कराने पैने ने, तो जिन्होंने नवी लैनी आ उन्होंने भी नवे दस्तावेज। जी हाँ, समाज कल्याण विभाग के वलों जारी फार्म के नाल आधार कार्ड लाने तो अलावा तुहानू अपना वोटर कार्ड जां वोटर कार्ड की कापी भी लाउनी पै सकती है। ये तक तो सीमित है कि ठीक है जी अगले कहने चल कोई ना आधार कार्ड लग गया वोटर कापी ना ला, पर इस तो बिना भी तुहानू एक दस्तावेज लाना जरूरी है, वह है जी तुहाडी जन्म तरीक नाल संबंधित। जेकर तुसी दसवीं तक पढ़े हो, दसवीं का सर्टिफिकेट लिया, पास फेल का कोई मतलब नहीं, जे दसवीं का सर्टिफिकेट हैगा तो वह लाना पेगा भाई, वो पर जन्म तरीक होंगी है कहें, वो तो पासपोर्ट वाले भी मानते हैं, जे वह भी नहीं आ फिर जन्म सर्टिफिकेट, तो जे नहीं बनाया तो जन्म प्रमाण पत्र बनवा के लाना पैना। जी हाँ, चाहे तुसी दसवीं का सर्टिफिकेट नाल लाओ, चाहे जन्म सर्टिफिकेट लाओ, नहीं फिर जन्म प्रमाण पत्र बना लो, अपना जन्म सर्टिफिकेट बनवा लो, वह ना लगेगा। सो उस तो बिना हुण तुहानू बुढ़ापा पेंशन मिलने वाला नहीं। इसलिए जिन्होंने बुढ़ापा पेंशन लैनी है जां जिहड़े लै रहे ने उह गौर कर लैन कि हुण कल्ले आधार कार्ड दे सहारे बुढ़ापा पेंशन नहीं मिलेगी, उहदे नाल तुहानू वोटर कार्ड की कापी, क्योंकि अजकल उहदे विच वी फोटो, नाम, जानकारी सारी हुंदी आ, जां फिर जेकर वोटर कार्ड हैगा तां उह, ते उह तों अलावा तुहानू अपने जन्म तरीक का सबूत देना पैना, जिहदे लई दसवीं का सर्टिफिकेट जां जन्म सर्टिफिकेट जां फिर बनवा के जन्म सर्टिफिकेट लाउणा पैना जनाब। इसलिए हुण बुढ़ापा पेंशन वाले तो गौर कर। इधर मुख्यमंत्री साहब की जेड प्लस सुरक्षा खूब चर्चा सी, वैसे तो काफला ही चर्चा चा, कहिंदे जी बादलों के टाइम च मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल दे नाल 30 गड्डियां का काफला चलता सी, कहिंदे कैप्टन अमरिंदर नाल 31 चलन लग गईआं, कहिंदे चन्नी आए उहदे नाल 32 चलन लग गईआं, हुणे नाल कहिंदे 33-35 चलदियां जी, बड़ा रौला पैंदा। पर इह सब दे दरमियान केंद्र कहिंदा जी अमृतपाल करके सानू भगवंत मान का फिक्र आ जां उहदे लई खतरा है, सो असीं उहदे लई जेड प्लस सुरक्षा दिंदे आ। जेड सुरक्षा पहले ही हैगी आ, हुण जेड प्लस भी मिल गई। जेड प्लस की मिलिया, कहिंदे जी 50 CRPF दे जवान, 10 कमांडो, ते इस दे नाल पंजाब च रौला पिया कि भाई उहदे कोल पहला 2-2 लेयर दी हैगी आ सारा कुछ, पंजाब पुलिस हैगी आ, हैं उहदी अपनी CM सिक्योरिटी हैगी आ, उह सारा कुछ हैगा, फिर की लोड़ आ। ते पर ये सब दे दरम्यान खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आके सामने कहा कि मैनू नहीं लोड़ जेड प्लस सुरक्षा की, मैनू नहीं चाहिए दिल्ली ते पंजाब च, तो मैनू जमा ही नहीं चाहिए। सो ये तो की भाव है, क्यों क्या की पंजाब च बन रहे माहौल, या जिहड़े सुरक्षा नूं लैके भगवंत मान तंज कसदे हुंदे सी कि जिन्हां नूं डर लगता जिन्हां ने सुरक्षा लैणियां ने फिर वह मुर्गीखाने खोल लैण, कि उह कि सुखबीर बादल दे बोल जां पंजाब दीआं विरोधी पार्टियां दे सवाल जां आम लोकां दी चर्चा च भगवंत मान ने फैसला लिया कि नहीं लैणी सुरक्षा,
या फिर ये कोई होर कारण लो मैं गल सांझी करना थोड़ा की मसला है। कहिंदे पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार वालों उपलब्ध कराई गई जेड प्लस सुरक्षा लैण तो इनकार कर दिता। बकायदा तौर पर उन्होंने केंद्र नूं चिट्ठी लिखे ये इतलाह दे दित्ती आ कि भाई मैनू जेड प्लस सुरक्षा नहीं चाहिए। उन्होंने बकायदा चिट्ठी लिखी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब ते दिल्ली दे विच जेड प्लस सुरक्षा की मैनू जरूरत नहीं। क्यों नहीं जरूरत? उस दे लई कहिंदे मेरे को पंजाब पुलिस हैगी, मेरे को सीएम सिक्योरिटी हैगी, सीएम की सुरक्षा वाली टीम भी हैगी, मेरे को पंजाब पुलिस भी हैगी, मैं दिल्ली भी जाना, मैं चंडीगढ़ भी पंजाब भी रहना, इतने मैं कोई थोड़ी जेड प्लस सुरक्षा की लोड़ नहीं। मतलब जे कि होर जावां लोड़ होवे तां दे दिओ चाहे, पर इतने नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कहिंदे जी उन्होंने कहा असल दे कारण जो दस्या वो कहिंदे जी सुरक्षा टीम दे लई जिहड़ा तर्क है उन्हां दा कि पंजाब ते दिल्ली दे विच दो दो सुरक्षा चक्कर, डबल लेयर सुरक्षा चक्कर, एक पंजाब पुलिस वाला तो एक उन्हां दी अपनी सीएम सिक्योरिटी वाला तो उस बाद सीआरपीएफ वाला फिर कमांडो वाला। कहिंदे जिहड़ी डबल सुरक्षा चक्कर आ इहदे नाल तां मेरे लिए नवीं मुश्किल खड़ी हो सकती आ, मेरी सुरक्षा कहिंदे सन ना लग जावे, इसलिए कहिंदे मैं लोड़ नहीं। बिल्कुल जी, कहिंदे दो दो क्वांटल सुरक्षा नाल मैनूं उल्टा नुकसान हो सकता। वैसे खजाने नूं तां नुकसान होना ही सी दोहरी दा, पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जिहड़ा ये हवाला दिता ये खासा चर्चा चा, वो कहिंदे डबल लेयर नाल मैनूं नुकसान हो सकता। सो कहिंदे जी मेरे लिए नवीं दिक्कत खड़ी हो सकती है। ये हवाला देख के उन्होंने लिखा कि पंजाब ते दिल्ली दे विच मैनू डबल सुरक्षा की लोड़ नहीं, मैनू अपने पंजाब पुलिस के जवानों के उत्ते ते मैनू सीएम सिक्योरिटी ते भरोसा है, इसलिए कहिंदे मैं जेड प्लस सुरक्षा नहीं लैनी। ये काबिले तारीफ है। हाँ, जिते होर लोगों की सिक्योरिटी घटाई है जो उत्थे उहदे विच अमला फाला गड्डियां का काफिला घटा लैण तां ठीक है, क्योंकि जे एक कमांडो मिलने से पंजा सीआरपीएफ के जवान मिलने से तो उहदे नाल खर्चा होर वधना सी। बिल्कुल जी, की हुंदी है जेड प्लस सुरक्षा? कहिंदे बीबीआईपी नूं दित्ती जांदी आ, दो कमांडो कंपनियां मुहैया कराइया जांदियां, 50 तो 55 ये सीआरपीएफ के कमांडो होंदे ने, 10 एनएसए के कमांडो होंदे ने। जी हाँ, 25 मई नूं केंद्र सरकार ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं जेड प्लस सुरक्षा देण दा ऐलान कीता सी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला लैके बीबीआईपी सुरक्षा संबंधी खुफिया रिपोर्टां दे हवाले नाल इह आधार बनाया सी। तो बीबीआईपी जेड प्लस सुरक्षा की गल करदे उन्होंने 50 तो 55 कमांडो मिलने से, तो उस तों इलावा 10 एनएसजी के कमांडो मिलने से, तो कमांडो जिहड़े सीआरपीएफ दे ने ज़्यादातर इन्हां चों वह मिलने से, तो इहदे नाल फिर गड्डियां का काफिला भी वधना सी, सुरक्षा का खर्चा भी वधना सी, तो हवाला अमृतपाल का दे रहे सी। पर हुण कहिंदे जी पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहिंदे ना मैनूं दिल्ली च लोड़, ना मैनूं पंजाब च लोड़, तो जे मिली तो मेरे लिए नवीं दिक्कत भी खड़ी होगी, तो मेरे लिए नुकसानदायक भी हो सकता। यह हवाला दे के जेड प्लस सुरक्षा लैण तो इनकार किया। इधर पंजाब के विरोधी दल इकट्ठे हो रहे हैं, अजीत अदारा, बरजिंदर सिंह हमदर्द ते जंगे आजादी यादगार। उधर विजिलेंस कहती है, पंजाब सरकार कहती है कि असी जंगे आजादी यादगार के इमारत के निर्माण के मसलों की जाँच कर रहे हैं, कपड़िया की जाँच कर रहे हैं, कि कोई ठगी ठोरी तो नहीं। उधर डॉक्टर इंद्रवीर सिंह निज्जर होरी कहते कि मामला ठेकेदारों तक तो हो सकता, बरजिंदर हमदर्द बारे सवाल खड़ा करना गलत है, तो दूए दिन कहते इस्तीफा हो जाता। इधर विरोधी पार्टियां अजीत के हक च, बरजिंदर सिंह हमदर्द के हक च, जंगे आजादी यादगार की जांच के हक च आ जांदियां ने, ते कुछ तरह कहदियां जांच हो रही है जी, चाहे बंदा किसी खिते का होवे, जे जांच होने की हर्ज है। कुछ कहते नहीं, देखो विजिलेंस की दुरवरतों है, इसलिए जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है, अदारे नूं मीडिया नूं पंजाब दे विच मीडिया नूं नप्पण की कोशिश है उस हवाले नाल। ते सब दे दरमियान विरोधी दलों ने खासकर कांग्रेस ने 1 जून की कॉल दिती, 1 जून का अपील की, सदा दिता कि आओ जलंधर दे विच सारिया जिन्हां पार्टियां ने सर्व पार्टी मीटिंग करिए। इस मीटिंग चों आम आदमी पार्टी मनफी सी, अकाली भी पहुँच गए, कांग्रसी तो जाने से सदी कांग्रसी नहीं सी, कांग्रसी भी आ गए, अकाली भी आ गए, है ना, बीजेपी वाले भी आ गए, कामरेड भी आ गए, होर छोटे मोटे दल भी आ गए, पर नहीं आई तो आप नहीं आई। कहिंदे जी असीं आई, असीं तो जांच कर रहे हैं। चलो आ की है सारा मामला। वैसे तो अज बरजिंदर हमदर्द होरां नूं हाई कोर्ट तो राहत मिली आ, जिहदी उम्मीद पहले ही की जा रही थी कि विजिलेंस वालों जो उन्होंने तलब किया गया उस दिन पेश होने की बजाय उन्होंने 10 कु दिन का समा मंगया, वकीलों नाल राय हुई होनी, गलबात हुई होनी, उस आधार पर उन्होंने हाईकोर्ट अपील पाई होनी, तो हाईकोर्ट ने एक तरह राहत दी आ। पर राहत सिर्फ इस गलों है कि विजिलेंस ने जिहड़ी भी कार्रवाई पानी है इतलाह पहलां देनी पैनी है, सूचना पहलां देनी पैनी। मतलब यह नहीं गा कि रोक लग गई ना इनकुआरी से, जांच से, गिरफ्तारी से। की गिरफ्तारी तक जा सकती है सरकार जिहदी चर्चा पंजाब खासी हो रही है? चलो कहिंदे जी सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर पत्रकार बरजिंदर सिंह हमदर्द नूं हाईकोर्ट तो राहत है,
गिरफ्तारी तो पहला विजिलेंस नूं नोट्स दे के दसना पेगा। जंगे आजादी यादगार मेमोरियल की जांच के मामले च पुछगिछ लई उन्हें तलब किया गया सी। पंजाब दे सीनियर पत्रकार बरजिंदर सिंह हमदर्द अजीत अखबार के मालक ते मुख संपादक कहिंदे जी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तो राहत लियाए ने। हाईकोर्ट ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो नूं बकायदा किया कि बरजिंदर सिंह हमदर्द नूं जेकर गिरफ्तार करना है तो वह तो 7 दिन पहले उन्हें नोट्स देना पेगा, उन्होंने दसना पेगा। तो हाईकोर्ट ने यह भी किया कि भाई इस मामले के उत्ते तुसीं पुछगिछ कर सकते हो, रोक नहीं है। एक पटीशन पाई सी जिहदे च जंगे आजादी मेमोरियल की चल रही जांच के हवाले नाल कहा सीगा कि CBI तो इस जांच करवाई जाए, यह विजिलेंस जांच रोकी जाए। तो उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जां मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं पार्टी बनाया जाए। हैं 250 पन्निआं दी अपील दे विच पटीशन दे विच हमदर्द उन्हां ने पंजाब सरकार ते गंभीर सवाल भी खड़े किए ने। तो उन्होंने कहा कि जाण बुझ के मैनूं निशाना बनाया जा रहा। तो उन्होंने कहा जी कि इस पहलू दे उत्ते तुसीं जेकर बलजिंदर हमदर्द नूं गिरफ़्तार करना तो उन्होंने पहला तुहानूं 7 दिन पहला नोटिस देना पैना। उधर दूए पासे अज सर्व पार्टी बैठक सी ते जिहदे विच लगभग सने नवजोत सिद्धू, सने राजा बड़िंग, सने प्रताप बाजवा, सने अकाली दल के लीडर, सने BJP के लीडर सारे बड़ी गिणती पहुँचे। बिल्कुल जी, जलंधर च अज जंगे आजादी यादगार के मामले च कहिंदे जिहड़ी जांच चल रही है मामले च बरजिंदर सिंह हमदर्द नूं तलब किया गया। उस दे हक च जिवें लीडर नेत्र कहा सर्व पार्टी बैठक के नाते सवाल इत्थों खड़ा होया कि यह सर्व पार्टी बैठक जंगे आजादी यादगार के हक च है कि यह सर्व पार्टी बैठक बरजिंदर सिंह के हक च है कि यह सर्व पार्टी बैठक पंजाब के मीडिया के हक में है जां इह सर्व पार्टी बैठक विजिलेंस के खिलाफ है जां भगवंत मान सरकार के खिलाफ है जां इह जांच रोकण के खिलाफ है। किन्ने तरह के सवाल खड़े ने, कौन कौन गया? कहिंदे जी अकाली दल वल्लों, कांग्रेस वल्लों वड्डे लीडर पहुंचे, इन्हां च नवजोत सिद्धू, प्रताप बाजवा सब तो पहलां पहुँच गए सी। हैं उस तो बाद फिर होर पार्टियां दे लीडर हैं उत्थे सुखजिंदर रंधावा होरी भी हैं, रामू वालिया भी, सुनील जाखड़ भी है ना, ये सारे अश्विनी शर्मा भी, ये सारे भी नज़र आए, अविनाश राय खन्ना भी, मनोरंजन कालिया भी, कोई बचा नहीं, बिक्रम मजीठिया भी पहुंचे है ना, उन्होंने भी इस तो अलावा फिर मतलब के बिक्रम मजीठिया के नाल इधरों अपना जिमें हाकी के कप्तान रहे प्रगट सिंह होरी भी, वह भी बकायदा तौर पर हाजिर हो। हैं इस तरह दलजीत चीमा भी अकाली दल वालों, अश्विनी शर्मा BJP वालों, बैंस भरा भी जोड़े अच्कल BJP के नाल ने, हैं वह सारे ने एक सांझी मता पाया, सांझा फैसला लिया, तो विजिलेंस नूं मतलब के अपील की, सरकार नूं तारना की। सो ये सारी लामबंदी कि विरोधी दलां पंजाब सरकार के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ ने, जां बरजिंदर हमदर्द के हक च ने, इहदी लैके खूब चर्चा। सो देखते हैं जी ये विरोधी दलों की सांझियां बैठकां किन्नी कु देर चलदियां, कदों तक चलदियां, तो ये पिछे भी कोई सियासत है जां की आ, उन्होंने समझ साफ होएगा। इसलिए हर पहलू ते खबर लैके चर्चा लैके हाजिर हुंदे आ। तुसीं देखते रहो लिबरल TV, लोगों की आवाज़ लोगों लई।